लेट्स मूव टू रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 पे आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 31 क्या कहता है? रूल नंबर 31 कहता है कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे अगर हम प्रपोजिशन लगाते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। सबसे पहला उनमें से प्रिफर, मैंने लिखा आई प्रिफर टी ओवर कॉफ़ी। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रिफर के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो क्या होता है? टू। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, टी इज़ प्रिफर्ड टू कॉफ़ी। प्रिफर के साथ कभी भी ओवर, ऑन या ऐसा कुछ भी प्रपोजिशन नहीं आता है। प्रिफर के साथ हमेशा और हमेशा जो प्रपोजिशन आता है वो हमारा टू होता है। सिमिलरली नो, पैसिव वॉइस में आई नो राम, मैं राम को जानती हूँ। लेकिन अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में लिखना है और कहीं लिखा हुआ हो राम इज़ नोन बाय मी, तो वो गलत है। राम इज़ नोन बाय मी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हम क्या लिखते हैं? राम इज़ नोन टू मी। क्या लगाएंगे नोन के आगे? टू। सिमिलरली मैरिड, राम मैरिड सीता, एक्टिव वॉइस सही है। राम ने सीता से शादी करी, राम मैरिड सीता। लेकिन अगर सीता के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? सीता इज़ मैरिड टू राम। विद राम, बाय राम नहीं आएगा। तो इन वर्ड्स के आगे अगर हम जो कुछ भी लगाते हैं, कोई प्रपोजिशन लगाते हैं, तो वो प्रपोजिशन क्या होता है? वो प्रपोजिशन हमारा टू होता है। प्रिफर टू, प्रिफर नो एंड मैरिड। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, वो वर्ड्स जिनके आगे क्या आता है? जिनके आगे आई ओ आर आता है। देख पा रहे हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे आई ओ आर लगा हुआ है? सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स जो ऊपर है, जूनियर जो आपसे नीचे है, सीनियर जो आपका ऊपर का है, अल्टीरियर पीछे का मोटिव, इन्फीरियर खराब क्वालिटी का, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन्स बिहाइंड द बैक, समथिंग जो पीछे की है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। सिमिलरली एक और हम लिख सकते हैं, अगर एक्सटीरियर लिखा हुआ है तो इंटीरियर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर का। तो ये सारे के सारे वर्ड्स के आगे हम क्या लगाते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स के आगे हम टू लगाते हैं। तो जितने भी शब्द आपके आई ओ आर से एंड होंगे, किससे एंड होंगे बेटा? आई ओ आर से, तो उनके आगे क्या आएगा? उनके साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो टू आएगा। कोई डाउट? प्रिफर मैंने आपको बता दिया, नोन, सिमिलरली मैरिड। इसके अलावा और कौन से वर्ड्स होते हैं? इंजूरियस, इंजूरियस मीन्स हानिकारक। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? हेल्थ के लिए हानिकारक है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो स्मोकिंग से एडिक्टेड है। एंसिलरी का मीनिंग होता है सपोर्टिंग। एंसिलरी के आगे भी क्या आता है? इसके आगे भी टू आता है। तो इन सारे के सारे वर्ड्स के आगे जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो प्रपोजिशन क्या होता है? वो प्रपोजिशन टू होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं, उनको ऐसा होता है कि सुपीरियर, इन्फीरियर इन सब के आगे टू आता है तो एल्डर के आगे भी टू लगा देते हैं। क्या एल्डर के आगे टू आएगा? विल यू यूज़ टू विद एल्डर? नहीं, एल्डर के आगे टू नहीं आएगा। आई ओ आर थोड़ी ना लिखा हुआ है जो एल्डर के आगे टू आएगा। एल्डर के साथ तो देन ही आता है। जिन शब्दों के लास्ट में आई ओ आर आता है उन सभी शब्दों के साथ टू आता है। वी यूज़ टू विद दोज वर्ड्स, हम उन शब्दों के साथ टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपीरियर के साथ क्या लगाया? टू। एल्कोहल इंजूरियस लिखा हुआ था, क्या लगाया? टू। वुड यू प्रेफर टू पे बाय कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड? प्रेफर के साथ क्या लगाया? टू। तो इन सारे के सारे शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं? टू। जूनियर, उन्होंने कैसे इंसान को प्रमोट कर दिया जो मेरे से जूनियर था? जूनियर के साथ क्या लगाया? टू। पैराग्राफ 19 जो है, पैराग्राफ 16 का सिर्फ सपोर्टिंग पैराग्राफ है। एंसिलरी मीन्स सपोर्टिंग, क्या लगाया? टू। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, क्या लगाया प्रिफर के साथ? टू। तो उन सारे के सारे वर्ड्स के साथ हम टी ओ टू लगाते हैं। मैरी के साथ और नोन के साथ भी क्या लगाते हैं? टू, पैसिव वॉइस में। सीता इज़ मैरिड टू राम, आई एम नोन टू राम। इन दोनों वर्ड्स के आगे भी हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। कोई डाउट किसी को? राम इज़ मैरिड टू सीता, आई एम नोन टू हिम, बाय हिम क्या है? इनकरेक्ट है।
तो आई एम नोन बाय हिम नहीं होगा, आई एम नोन टू हिम होगा। क्या रूल नंबर 31 क्लियर है सभी को? एक बार समराइज करते हैं, रूल नंबर 31 ने क्या बोला, जल्दी से बताओ सारे के सारे वर्ड्स। प्रिफर, नोन और मैरिड अपने पैसिव वॉइस में, वेरी गुड। इसके बाद जितने भी वर्ड्स आई ओ आर से एंड होते हैं, एडिक्टेड, एंसिलरी एंड इंजोरियस, राइट। इन सभी वर्ड्स के आगे जो प्रपोजिशन लगता है वो टी ओ टू लगता है, क्लियर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँगी, 1500 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 500,000 हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट जितने स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू लाइक दिस सेशन। अगर अब 1700 हो गए, अगर 1700 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो 1700 लाइक्स भी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल नंबर 32 पे आते हैं। रूल नंबर 32 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और बहुत बार एग्जामिनेशन में ये रूल आ चुका है। रूल नंबर 32 कहता है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग होता है जब हम दो चीज़ों को एक जैसा बताते हैं। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए हम दो कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, एक होता है एज और एज, और दूसरा वाला होता है सो और एज। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एज गुड एज श्याम, राम श्याम के जितना अच्छा है। शी इज़ एज स्वीट एज शुगर, वो चीनी जितनी मीठी है। आप लोगों के रिश्तेदारी में, जानकारी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत मीठा बोलता होगा, अंदर से वो इंसान कैसा भी हो, बट जब वो बोलता होगा तो ऐसा लगता होगा कि चीनी भी फीकी पड़ जाए उसके आगे। आई नो वन ऑफ माई ताई जी, शी इज़ एज स्वीट एज शुगर, वो उतनी स्वीट है जितनी शुगर स्वीट होती है, एक्स्ट्रा स्वीट। तो जब भी हम दो चीज़ों को एक जैसा बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एज और एज और सो और एज। लेकिन इस एज और एज और एक सो और एज में खास बात है। खास बात क्या है बेटा? कि इसको आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सो और एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज़ होता है। सो एंड एज इज ओनली एंड ओनली यूज्ड विद नेगेटिव सेंटेंसेस। तो राम इज़ एज गुड एज श्याम, शी इज़ एज स्वीट एज शुगर, राम इज़ नॉट एज गुड एज सीता, बिल्कुल सही है। या राम इज़ नॉट एज गुड एज गीता, बिल्कुल सही है। राम इज़ सो गुड एज सीता, क्या ये सही है? नहीं। आप सो और एज को कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप सो और एज को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा, राम इज नॉट सो गुड एज जेन। तो सो और एज जो होता है सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ वो यूज नहीं होता है। जबकि एज और एज है वो किसी भी तरह के सेंटेंस के साथ यूज हो जाएगा। क्या रूल नंबर 32 क्लियर है? टिप्स पे होने चाहिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। कोई भी सपने में भी उठा के पूछ लेना कि एज और एज कहाँ यूज़ होता है, सो और एज कहाँ यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से टिप्स पे होने चाहिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आर दी पैनेशिया ऑफ इंग्लिश। ग्रामर मुट्ठी में है अगर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पता है तो अगर हम इन्फॉर्मेशन फैला देंगे तो वो उतना ही अच्छा है जितना डेड, मतलब वो मर गया समझ लो। एज पॉजिटिव सेंस के साथ यूज हो सकता है, आई एम नॉट सो डेस्परेट एज टू अग्री टू दैट, मैं उतनी भी होपलेस नहीं हूँ कि मैं उस बात को मान जाऊँ। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ सो और एज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एज और एज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, एज और एज दोनों के साथ यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि सो और एज होता है वो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। So and as is only and only used with negative sentences. As good as Ram सही है, not as good as Ram सही है, not so good as Ram सही है, लेकिन so good as Ram गलत है, क्योंकि so और as को हम कभी भी positive sentence के साथ use नहीं कर सकते हैं। That means fourth sentence is wrong. कोई doubt? किसी को भी? आई होप नहीं है। रूल नंबर 32 सभी को समझ में आ गया है।